In this video, I am going to show you how you can make this type of headboard in 3D Max. So first, you have to open your file in Max and then take a plane. This is plane, ठीक है? And normally created. तो यहाँ पे मैंने randomly लिया है. Set the size. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 feet. 7 feet. और जो सेगमेंट्स हैं वो मैं ले रही हूँ 8x8. अब यहाँ पे सेगमेंट्स तो नहीं शो हो रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड क्लिक एंड देन एज्ड फेस. अब आप देखोगे, नाउ वी गेट द सेगमेंट्स एंड देन फेसेस. तो अब इसको हम कर लेंगे कन्वर्ट इनटू पॉली. क्लिक राइट साइड, ठीक है, राइट साइड क्लिक करने के बाद यू हैव ऑप्शन कन्वर्ट टू एंड देन क्लिक ऑन फॉर एडिटेबल पॉली. अब आप इसको कैसे भी एडिट कर सकते हैं बिकॉज इट्स इन, नाउ इट्स इन अ पॉलीगन. तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द वर्टेक्स, ठीक है. वर्टेक्स सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इन एजेस को कट करना है. हमें स्क्वायर फेस तो मिल गया बट हमें और फेसेस भी चाहिए बिकॉज क्योंकि हमें ये पूरा डिजाइन बनाना है. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट्स अ क्विक स्लाइस. तो इसको हमें कट करना है वर्टेक्स टू वर्टेक्स. फॉर दैट वी हैव टू समथिंग कि हमें वो पिक इजिली कर ले पॉइंट. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्नैप. राइट साइड क्लिक एंड देन क्लिक ऑन वर्टेक्स, ठीक है. टर्न ऑन द स्नैप, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट. तो इधर से भी हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है. अब हर फेस में सेम वी हैव टू डू इट, बट एक वर्टेक्स को छोड़ के सेकेंड. एक वर्टेक्स को छोड़ के एंड देन सेकेंड. अब ये गलत हो गया, देन नॉर्मली कंट्रोल जेड, फर्स्ट एंड देन सेकेंड, फर्स्ट एंड देन सेकेंड. नाउ इट्स डन, नाउ एक्सट्रूडेड. अब अपने पास एक ऑप्शन है एक्सट्रूड का, क्लिक है. अब आप देखोगे ये पॉजिटिव एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है. बट हमें क्या करना है, हमें चाहिए नेगेटिव जो नीचे को जाए. ये हो रहा है ना ऊपर एंड देन नीचे. तो ये मैं यूज करूंगी -5 और इसका जो सर्कल है बहुत बड़ा है. देन आई एम यूजिंग 1 एंड देन क्लिक ओके. अब ये तो हो गया, इट्स डन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्लिक ऑन एजेस. जब हमने एजेस पे क्लिक किया देन यू कैन सी ये क्रॉस वाले पे ऑलरेडी अपने आप ही सिलेक्ट हो गया. अगेन वी हैव टू डू द एक्सट्रूड. अब बहुत ज्यादा है, कितना चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सिलेक्ट. ये भी नेगेटिव में ही चाहिए. इट्स आई एम यूजिंग -3 एंड देन 0.3. ओके नाउ -2.5 एंड देन 3. ओके नाउ इट्स डन, ऑल आर डन. नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन वर्टिक्स. अब ये वाले वर्टिक्स सिलेक्ट हुए राइट, बट हमें कौन से चाहिए, ये वाले सिलेक्ट, बट सिलेक्ट विद द कंट्रोल बटन. एक के बाद अगर आपको सेकेंड वर्टिक्स या फिर बहुत सारे वर्टिक्स को सिलेक्ट करना है देन यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल बटन. अब सबको आप, इन सबको आपको सिलेक्ट करना है 1x1. नाउ इट्स डन, मूव लिया एंड देन टर्न ऑफ द स्नैप, ठीक है. अब अगर हम इसको मूव करेंगे, देखो ये ऊपर हो रहा है,
it's fine. Now right side click, and then we have a one option. राइट साइड क्लिक एंड देन वी हैव अ वन ऑप्शन टॉगल क्लिक हियर. अब इसमें क्या हो गया, स्मूथनेस आ गई है. कितनी चाहिए? ओके लेट्स चेक. ओके 3 इज इनफ. 3 लिया हमने. नाउ क्लिक ऑन द एजेस. जब हमने एजेस पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गए. अगेन राइट साइड क्लिक एंड देन वी हैव अ क्रिएट शेप. हमने ओके किया विद अ स्मूथर. बाहर आते हैं. अब आप देख रहे हो इस पे एजेस हमें नहीं चाहिए. देन नॉर्मली क्लिक हियर and then turn off it. Now you can see we are getting very smooth result. ठीक है. अब हमें इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग करनी है. And then here we have option जो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं by name, right? Click here and then we get a plane और a shape जो हमने अभी shape बनाई. Double click select हो गया. And then अब यहाँ पे we have one option that is the rendering. Enable rendering and then enable viewport. ठीक है. जब हमने इसको सिलेक्ट किया हेयर वी हैव ऑप्शन. अब वट वी कैन डू, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपको समझ आए. ओके इट्स ओके दिखेगा. यस एंड देन चेंज द थिकनेस. नाउ यू कैन सी अगर मैंने 1 किया ये दिख रहा है ना, ये फिनिशिंग ये हम कर रहे हैं इस पे वर्क. सिलेक्ट ओके. अब इसको मैंने कर दिया 3. नाउ लेट्स चेक इट. अब अगर इसको हमें मूव करना है देन वी कैन डू इट. सिलेक्ट ओके एंड देन मूव इट. या परफेक्ट. Now you can see. अब इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं. 3 है. टू एंड हाफ एंड देन मूव इट. परफेक्ट. नाउ इट्स फाइन. लेट्स चेंज द कलर व्हाइट टू रेड. You can see. ये फिनिशिंग होगी. Now we have to make the buttons. तो वो कैसे होगा? Let's take a sphere. इसका कलर चेंज कर सकते थे. And scale it. Control W. Scale it. ठीक है. एंड देन मूव इट. यहां हमें प्लेस करना है बट अभी भी बड़ा है. हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है. और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं. परफेक्ट. नाउ यू कैन सी. ठीक है. लेट्स चेंज द कलर. अगर ये भी रेड ही चाहिए हमें. ठीक है. एंड देन कंट्रोल डब्ल्यू. अब हम 1 by 1 इसको यहीं पे पेस्ट करेंगे शिफ्ट के साथ. ओके कंट्रोल डब्ल्यू. लेट्स चेक कि अब ये सही है. या परफेक्ट. वन मोर शिफ्ट. And 2 copies. Okay, now you can see. ठीक है ना.
इवन यू कैन सिलेक्टेड हेयर, इवन यू कैन सिलेक्ट वन बाई वन, नहीं तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन फोर स्पेयर, 1 2 3 4, ओके ठीक है, ये सिलेक्ट किए हमने एंड देन गो टू द टॉप व्यू, शिफ्ट एंड देन ओके, नाउ यू कैन सी, ठीक है, सेम वी हैव टू प्लेस हेयर जो हमें 3 चाहिए. One by one you can select it and then place. इस साइड हमें 2 ही चाहिए. Now you can see our final work.